सो हे गाइस, दिस इज मैक बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ जो है टैटू आफ्टर केयर के ऊपर, कि आपको आफ्टर केयर उसकी कैसी करनी चाहिए जब आप एक न्यू टैटू बनाते हैं। सो आइए शुरू करते। सो गाइस, आप एक न्यू टैटू बना चुके हो या बनाने का सोच रहे हो तो आपको उसके आफ्टर केयर के नॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट आफ्टर केयर आपका टैटू प्रॉपर हील नहीं होगा। आपके टैटू आर्टिस्ट ने आपको आफ्टर केयर के बारे में बताया होगा तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। बिकॉज एक न्यू टैटू एक माउंट की तरह होता है जिसके वो कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है, सो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। सो आपने एक न्यू टैटू बनाया हो तो बड़े भले ही वो छोटा हो या बड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका टैटू कंप्लीट हो जाता है तो टैटू आर्टिस्ट उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप लगाते हैं, तो वो प्लास्टिक रैप आपको घर जाके 2 to 4 hours में निकाल देना है। तो वो निकालने के बाद आपके टैटू के ऊपर ब्लड लगा होता है तो आपको उसको वार्म सोप से वॉश करना है। डायरेक्ट सोप अप्लाई नहीं करना है, अपने हाथों में अच्छे से उसका फोम बना के फिर उसको अप्लाई करना है एंड देन कोल्ड वाटर से वॉश करना है। यह आपको 2 weeks के लिए फॉलो करना है 2 times a day। एंड उसके ऊपर आपको ऑन्टीमेंट या सिल्वर एक्स क्रीम अप्लाई करना है, एकदम भी एक्सट्रीम अप्लाई नहीं करना है, बहुत लाइट और पूरे एरिया को कवर करना है। आपको 2 to 3 weeks तक ये फॉलो करना है और उसके बाद 1.5 weeks और 2 weeks के अंदर या उसके बाद भी तो आपके स्किन टैटू के स्किन से डेड स्किन निकलना चालू हो जाता है, तो वो भी आपको खुद नहीं निकालना है, वो नेचुरली अपने आप निकलेगा। अगर आप उसको खुद से हाथों से निकालोगे तो उसके वो पार्ट फेड हो जाता है या इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए प्लीज़ ध्यान रखें कि खुद ना निकाले और नेचुरली उसको निकलने दे। तो आपको आपके टैटू के ऊपर इचिंग होगी तो आपको वो स्लैप करना है, जस्ट स्लैप करना है, नॉर्मली टैप और स्लैप करना है, उसको ऐसे ऐसे रफ नहीं करना है। सो ये है नॉलेज अबाउट अ न्यू टैटू आफ्टर केयर जो आपको फॉलो करना है, जिससे आपका टैटू इन्फेक्ट भी नहीं होगा और एकदम अच्छे से हील होगा, डार्क होगा। सो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।